सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान ने सक्सेसफुली माउंटेन ओपनिंग सील की प्रैक्टिस कर ली थी, जो जियोयान का नया ट्रंप कार्ड बना। ताइवू और उसके साथियों ने जियो सेट पर हमला करने की कोशिश की, पर जियोयान वहां मेडुसा के साथ पहुंच गया था, जिससे वो तीनों काफी डर गए। फिर अब हम देखते हैं कि ओल्ड यिनगु जियोयान से कहता है कि हमसे गलती हो गई, जो हमने यहाँ आने का साहस किया। हमें पता नहीं था कि आपके साथ एक डुजोंग है। ये फेंग सिटी अब पूरी से जियो सेट की है। हम स्वाभाविक रूप से अब आपका अपमान करने का साहस नहीं करेंगे। आज हमारे यहाँ से जाने के बाद हम सभी को नोटिफाई करेंगे, ताकि कोई भी मूर्ख आपके जियो सेट पर हमला करने की कोशिश ना करे। सुमेह कहती है कि कृपया आज की बातों को अपने दिल पर ना ले, हम किसी और दिन आपसे माफी मांगने जरूर आएंगे। और वो तीनों वहाँ से जाने लगते है। जियोयान उन तीनों को रुकने को कहता है। ओल्ड यिनगु कहता है कि क्या सेक्ट लीडर आप हमें मारना चाहते हो। जियोयान कहता है कि तुमने मुझे गलत समझा, हमारे यहाँ जो भी आता है वो हमारे मेहमान होते हैं। आप तीनों फेंग सिटी को लेकर काफी इंटरेस्टेड हो, इसीलिए हमें एक डील करनी चाहिए। यिनगु कहता है कि आप हमसे क्या चाहते हो। जियोयान कहता है कि मेरा एक दुश्मन है जिसकी पावर कमजोर नहीं है, हालांकि मेरी करंट पावर के साथ मुझे विश्वास है कि मैं उसका मुकाबला कर सकता हूँ, पर चीजों को और ज्यादा सर्टेन बनाने के लिए मुझे तुम तीनों की जरूरत होगी। सुमेह कहती है कि इस कॉन्टिनेंट पर कौन सेक्ट आपका दुश्मन है। जियोयान बताता है कि मैं मिस्टिक लॉर्ड सेट को खत्म करना चाहता हूँ। ओल्ड यिनगु कहता है कि मिस्टिक लॉर्ड सेट यहाँ से कई हजारों मील दूर है और उनका ब्लैक कॉर्नर रीजन से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उस सेट का लीडर एक डुजोंग है। हम तीनों के साथ भी मुझे शक है कि हम जीत नहीं पाएंगे। जियोयान कहता है कि तुम सभी निश्चित रहो, मैं तुमसे फ्री में काम नहीं करवाऊंगा। मिस्टिक लॉर्ड सेट से जीत के बाद मैं तुम सभी को फेंग सिटी में 30% हिस्सा दूंगा। पर वो अभी भी सोच में पड़े हुए थे। जियोयान सोचता है कि ये बहुत लालची लोग हैं, ये तब तक मेरा साथ नहीं देंगे जब तक इन्हें चारा ना डाला जाए। और उन्हें कहता है कि तुमने माइटी एम्परर पिल के बारे में तो सुना ही होगा। ताइवू कहता है कि मैंने सुना है कि ये एम्परर पिल एक फाइट एम्परर को थोड़े समय के अंदर ही एक या दो स्टार तक इंक्रीज करने की अनुमति देती है। सुमेह कहती है कि मैंने तो ये भी सुना है कि प्रमोट होने के बाद इसका मेडिसिनल इफेक्ट बोन्स को रिफाइन और मजबूत बनाता है, इसीलिए इस पिल को टीयर 6 पिल में भी हाईएस्ट लेवल पर माना जाता है। ओल्ड यिनगु जियोयान से कहता है कि क्या सेक्ट लीडर आपके पास ये पिल मौजूद है। जियोयान कहता है कि मैं इसे रिफाइन करूंगा। इससे वो तीनों हैरान होते हैं। जियोयान अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करता है, जिससे वो तीनों दंग रह जाते हैं। जियोयान कहता है कि मैं टीयर 6 एल्केमिस्ट हूँ, मैं जानता हूँ कि माइटी एम्परर पिल को कैसे रिफाइन किया जाता है। अगर आप तीनों मेरी कंडीशंस को मानने को तैयार हो, तो लड़ाई जीतने के बाद में फेंग सिटी के 30% हिस्से के साथ तुम्हारे लिए माइटी एम्परर पिल को पेश करूंगा। एम्परर पिल की वजह से वो तीनों जियोयान का साथ देने को तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि हम वही करेंगे जो आप कहोगे। जियोयान इससे खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि रात को मेडुसा छत पर बैठी हुई मून को निहार रही थी। तभी जियोयान उसके पास आकर कहता है कि आज तुम्हारी वजह से एक बड़ी लड़ाई होने से रुक गई, अगर तुम नहीं होती तो तीनों इतनी आसानी से हार नहीं मानते। मेडुसा कहती है कि जिस चीज ने उन्हें साथ काम करने के लिए प्रेरित किया वो तुम्हारे खुद की टीयर 6 एल्केमिस्ट आइडेंटिटी थी। मैं सिर्फ उन्हें साइड में खड़ी डरा रही थी। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी उन शान को मारने में मदद करूं? पर मैं ऐसा क्यों करूंगी? जियोयान कहता है कि लगता है तुम हमारे एग्रीमेंट के बारे में भूल गई हो। मेडुसा उस पर गुस्सा करती है। जियोयान उसे कहता है कि अगर तुम यू शान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहती तो मैं जिद नहीं करूंगा। मेडुसा सुनकर हैरान होती है। जियोयान कहता है कि लड़ाई के वक्त अगर तुम साइड से खड़ी हुई भी देखती रहोगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मेडुसा की आंखें इससे थोड़ी नम हो जाती है, क्योंकि उसके मन में जियोयान के लिए फीलिंग्स पैदा होने लग गई थी। मेडुसा उसे कहती है कि तुम ये मत सोचो कि मीठी मीठी बातें करके तुम मुझसे काम करवा सकते हो, मैं वेपन की तरह काम करना कभी पसंद नहीं करती। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ जियोली भी आ जाता है, जो जियोयान से कहता है कि वो लड़की कौन है। जियोयान बताता है कि वो स्नेक पीपल ट्राइब की क्वीन मेडुसा है। जियोली से चौंक जाता है। जियोयान उसे शांत रहने को कहता है और बताता है कि इस बात को सीक्रेट रखना है। जियोली ने कहा कि इस बार जब हम मिस्टिक लॉर्ड सेट में जाएंगे तो मेडुसा हमारी मदद करे तो कैसा रहेगा। जियोयान कहता है कि मैंने उसे साथ चलने को कहा पर उसने मना कर दिया। मैं एक मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। फर्स्ट एल्डर ने इनमें से मेरे लिए कई सारी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को
ढूंढने में मदद की है, पर अभी भी इनमें से मुझे दो इंग्रेडिएंट की तलाश है जो काफी रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट है। जियोली देखता है कि उन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के नाम डार्क डीटी फ्लावर और फियरी सन स्पीड लीफ है, जो काफी महंगे इंग्रेडिएंट थे। जियोली कहता है कि मैं इन दोनों इंग्रेडिएंट के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालूंगा, अगर मुझे इन्हें चुरा कर भी लाना पड़ा तो मैं जरूर लाऊंगा। जियोयान कहता है कि आपको इतना असभ्य होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास सान फेंग की रिफाइन की हुई कुछ पिल है जो काफी हाई लेवल की है, इन्हें बेचकर हम बहुत पैसे कमा सकते हैं जिससे हम वो दोनों इंग्रेडिएंट खरीद पाएंगे। जियोली कहता है कि तुम सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो और बाकी सब काम मैं संभाल लूंगा। तुम हम तीनों भाइयों में सबसे ओनार हो, और उसे जियोडिंग की याद आने लगती है जिससे वो वहाँ से चला जाता है। वही हम जियोडिंग को देखते हैं जो भी अपने भाइयों को याद कर रहा था। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। जियोयान हान फेंग के मेडिसिनल स्टोर रूम में जाता है जहाँ उसने ब्लैक कॉर्नर रीजन से लूटे हुए सभी ट्रेजर को रखा हुआ था। जियोयान अपनी स्पिरिचुअल पावर से सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को चेक करता है जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ स्पिरिचुअल रिकवरी पर्पल पिल को रिफाइन करने के लिए सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट मौजूद है। जिस पिल का जियोयान ने हाइबोडोंग से वादा किया था वो उन इंग्रेडिएंट को बाहर निकालने लगता है। जियोयान सोचता है कि उस समय अगर बोडोंग और मेटर फैमिली ने मेरी मिस्टिक लॉर्ड सेट से बचने में मदद नहीं की होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता, पर मैंने उन्हें जिस पिल का वादा किया था वो मैं पूरा नहीं कर पाया। पर इस बार जब मैं उनसे मिलूंगा तो मैं हाइबोडोंग को सोल रिकवरी पिल जरूर दूंगा, और वो हान फेंग की फर्नेस को बाहर निकाल कर सोल रिकवरी पिल को रिफाइन करने लग जाता है। कुछ ही घंटों में वो उस पिल को रिफाइन कर लेता है। जियोयान कहता है कि फर्नेस आके रेयर ट्रेजर है जो इसने टीयर 6 पिल से उत्पन्न विसंगति को भी छिपा लिया। ये मास्टर की ब्लैक डीमन फर्नेस के समान है, इसलिए हेवनली फर्नेस रैंकिंग में शामिल है। जियोयान अब उस पिल को बाहर निकाल लेता है। तभी वहाँ जियोली आ जाता है जो जियोयान को कहता है कि मैं मेडिसिनल पिल ऑक्शन को आयोजित करने के बारे में सोच रहा हूँ जिससे हम ज्यादा बोली पर पिल को भेज पाएंगे, इसीलिए मैं अपने लोगों को ऑक्शन की बात फैलाने भेज रहा हूँ। पर मुझे एक बात का डर है कि अगर ब्लैक अलायंस के लोगों को भी ऑक्शन का पता चल गया तो यहाँ ट्रबल पैदा करने आएंगे, खास करके वो गोल्ड और सिल्वर एल्डर जो इनर एकेडमी से डरते हैं, पर वो हमसे बिल्कुल भी नहीं डरते। जियोयान कहता है कि आप उनकी चिंता ना करें, उन्हें मैं संभाल लूंगा। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ दूर दूर से लोग जियो सेट के ऑक्शन में शामिल होने आए थे। लोग बातें करते हैं कि जियो सेट वास्तव में शक्तिशाली है जो इन्होंने कुछ ही दिनों में फेंग सिटी पर कब्जा कर लिया। जियोली सभी लोगों से कहता है कि मैं जियो सेट के अफेयर्स का मैनेजिंग पर्सन हूँ, आज मैं पहली बार फेंग सिटी में ऑक्शन को होल्ड कर रहा हूँ, अगर मुझसे आज कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। लोग कहते हैं कि जियो सेट का अफेयर्स केवल एक फाइट किंग है, यह हमारे तीन बड़े फैक्शन को कैसे दबा कर रख सकता है, इस कीमत कैसे हुई सामने आकर बात रखने की। सभी सोचते हैं कि जियो सेट बहुत कमजोर है, इसलिए जियोली से कहते हैं कि अब यहाँ कोई ऑक्शन नहीं होगा। गोल्ड एल्डर कहता है कि सेट के ट्रू लीडर को यहाँ बुलाओ, पहले हान फेंग की रेपुटेशन फेंग सिटी में बहुत ज्यादा थी पर तुम जैसे जूनियर का यहाँ कोई स्थान नहीं है। सभी लोग विद्रोह करने लगते हैं। तभी वहाँ जियोयान आ जाता है जो गोल्ड एंड सिल्वर एल्डर से कहता है कि तुम कौन होते हो, हमें फेंग सिटी से हटाने वाले, और वो सभी से कहता है कि हमारा जियो सेट पहली बार ऑक्शन को होल्ड कर रहा है, इसीलिए मैं कोई लड़ाई नहीं चाहता, आशा करता हूँ कि सभी मेरी इस बात को समझेंगे। पर गोल्ड और सिल्वर एल्डर गुस्से में कहते हैं कि तुमने हमारे अलायंस लीडर हान फेंग को मार डाला पर तुम अब फेंग सिटी को हड़पने का साहस कर रहे हो। लोग बातें करते हैं कि हमें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि हान फेंग को मारने वाला लड़का उम्र में इतना छोटा होगा। जियोयान गोल्ड एंड सिल्वर एल्डर से कहता है कि हान फेंग मेरे हाथों मर गया, स्वाभाविक रूप से अब ये शहर मेरा है। ब्लैक कॉर्नर रीजन हमेशा से एक ऐसा प्लेस रहा है जहाँ मजबूत लोग कमजोर लोगों का शिकार करते हैं। आप दोनों कई सालों से इस ब्लैक कॉर्नर रीजन में रह रहे हैं, इसलिए आप ये बात अच्छी तरह समझते हैं। सिल्वर एल्डर कहता है कि फेंग सिटी ब्लैक अलायंस का हेडक्वार्टर है, हान फेंग मर गया पर अलायंस के मेंबर होने के नाते फेंग सिटी पर अब हमारा अधिकार बनता है, इसलिए चुपचाप ये फेंग सिटी हमें सौंप दो वरना तुम्हारे जियो सेट का आज हमारे हाथों अंत हो जाएगा। जियोयान कहता है कि प्राचीन समय से ही जीतने वाला सब कुछ ले जाता है, हान फेंग मर चुका है इसलिए ब्लैक अलायंस भी खत्म हो गया और मुझे सिटी विक्टर के रूप में प्राप्त हुई है।
अगर तुम मेरी बातों से असंतुष्ट हो तो आगे आकर एक्शन ले सकते हो। गोल्ड एडर जियोयान पर हमला करता है पर जियोयान उसके वार को रोक देता है। गोल्ड और सिल्वर एडर कहते हैं कि आज हम पूरे जियो सेट को खत्म कर देंगे और अपनी बॉडी फ्यूजिंग स्किल से एक हो जाते हैं जिससे उनकी पावर डूजोंग से लड़ने जितनी हो जाती है। जियोयान कहता है कि मैं आज हमारी पहली ऑक्शन को बाधित नहीं करना चाहता था पर तुम दोनों बातों को आगे बढ़ा रहे हो। अब तुम मुझे दयालु न होने के लिए दोष मत देना। गोल्ड एंड सिल्वर एडर कहते हैं कि तुम बहुत एरोगेंट हो रहे हो। अभी इनर एकेडमी के फर्स्ट एडर यहाँ नहीं है। वहाँ मौजूद सभी लोग गोल्ड और सिल्वर एडर का साथ देते हुए कहते हैं कि जियो सेट को खत्म कर दो, हम सभी तुम्हारे साथ है। ओल्ड इनगु भी यह देख रहा था। वो कहता है कि पुराने साथी हमेशा गड़बड़ करते हैं, लगता है आज ये मरने वाले हैं। जियोयान गोल्ड एंड सिल्वर एडर को शांत करने के लिए मेडुसा को वहाँ बुला लेता है। मेडुसा के वहाँ आते ही गोल्ड एंड सिल्वर एडर डर जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।